हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला जींद पहुंचे, यहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि उनकी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 2019 में ही खुद को साबित करने के लिए बनी है। वो जींद उपचुनाव से ही अपने चुनाव लड़ने की शुरुआत करेंगे और इसी चुनाव में वो खुद को साबित भी कर देंगे। इसके साथ ही सांसद दुष्यंत चौटाला ने करण चौटाला के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति माँ की उंगली नहीं बाप दादा से सीखी जाती है। उन्होंने कहा कि शायद करण को महाभारत का वो वाक्य याद नहीं है जिसमें अभिमन्यु ने ही माँ की कोख में सारी राजनीति सीखी थी, तो अभी उन्हें सीखने की जरूरत है। K9 मीडिया के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट। जो बीजेपी को जनरल जनता पार्टी में ज्वाइन की, मैं अपनी तरफ से जिले सिंह धर्मपालपुर मेंबर रतन सिंह और कार्यकारी गांव से आए रामफल और भगवान धरती जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे हाथ पांव और मैं तो बोल रहा हूँ, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखो चार बोले, शायद ये आने वाले समय में 40 ना हो जाए। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है और उसने सामाजिक तौर पर कार्य अच्छे करे हैं, उसका राजनीतिक अनुभव है नहीं है, उसके मद्देनजर ना देखते हुए अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहेगा तो उसका हम स्वागत करेंगे। अभी नए बहुत कुछ सीखना। दुष्यंत जी, करण अर्जुन कह रहे हैं कि माँ की उंगली पकड़ के संस्कार सीखे जा सकते, राजनीति तो बाप दादा सिखाते हैं। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो उनको महाभारत का जो वाक्य है वो पढ़ने थी। अभिमन्यु को तो रणनीति चक्रव्यूह की पेट में सिखा दी थी। और अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उनके मन के अंदर माँ के सम्मान में शायद कमी है। जब से ये मामला चला हुआ है, जैसे भी पार्टी कोई बड़ा तेरा अंदोड़ पाई का दुश्मन दिख जाता है। कौन सा मामला चला हुआ है? अगर गौतम साहब आए, कोई छोटी चीज, डीडी शर्मा जी आए, कृपाराम पुनिया जी आए, बंताराम वाल्मीकि जी आए, हमने तो बसपा से भी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी लोगों को लाने का काम किया है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो हमारे संगठन को बने 15 दिन हुए, 15 दिन में इतने लोग आ गए, सोचो 9 महीनों में कितने और आने का काम करेंगे। ठीक है दुष्यंत। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।